हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको धनोल्टी जाने के रास्ते के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये रास्ता काफ़ी पहाड़ी रास्ता है और यहाँ जाने के लिए पहाड़ी रोड है जिसमें बहुत अधिक मोड़ व कर्व पाए जाते हैं। ये सिंगल रोड लेन है और देहरादून से या फिर मसूरी से धनोल्टी पहुँचने में लगभग 2 घंटा, 2.25 घंटा लगता है और 65 किलोमीटर लगभग दूरी है धनोल्टी तक की। तो धनोल्टी मसूरी से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है जो समुद्र जल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऑफ बीट पर्यटन स्थल है। धनोल्टी भीड़ भाड़ वाली दुनिया से दूर लोगों को एक सुखद अनुभव देती है। उत्तराखंड में देखने के लिए तो यूँ बहुत कुछ है और भारत के गर्म स्थानों से आने वाले लोगों को यहाँ आकर बहुत शानदार एहसास होता है। अगर आप धनोल्टी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से जून के महीनों के बीच का है। देश के दूसरे हिल स्टेशनों की तरह धनोल्टी में पूरे साल समशीतोष्ण जलवायु होती है। यहाँ पर मानसून और सर्दियाँ कठोर होती हैं। गर्मियों में यहाँ पर अधिकतम 31 डिग्री आरामदायक तापमान होता है जो इस स्थान को गर्मियों के समय एक बहुत ही खास छुट्टी का स्थल बनाता है। जुलाई अगस्त के भारी मानसून के महीनों में यहाँ जाने से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ की ढलानें काफ़ी खतरनाक और इस मौसम में सड़क मार्ग में आना लगभग लगभग असंभव रहता है क्योंकि बारिश और रोड में जो रोडें हैं वो कट जाती हैं कई बार, लेकिन जा सकते हैं। धनोल्टी में खाने के सीमित विकल्प हैं लेकिन आपको एक अच्छी गुणवत्ता का भोजन मिलता है क्योंकि अधिकांश उपज क्षेत्र के आसपास की उगाई जाती है। धनोल्टी में भारतीय भोजन के अलावा चीनी और कॉन्टिनेंटल जैसे कई तरह के व्यंजन उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ सड़क के किनारे के ढाबों में भोजन को भी खा सकते हैं, चख सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। धनोल्टी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो यात्रियों को प्रकृति के पास होने का एहसास कराता है। अगर आप मसूरी या देहरादून घूमने आ रहे हैं तो धनोल्टी जाना आपको नहीं भूलना चाहिए। यह काफ़ी अच्छा स्थान है और ठंडा स्थान है और प्रकृति से भरपूर है। यह जगह 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जहाँ से आपको हिमालय पर्वतमाला की शानदार सुंदरता देखने को मिलती है। उत्तराखंड का यह अछूता पर्यटन स्थल मसूरी और देहरादून जैसे व्यावसायिक पर्यटन स्थलों से दूर स्वर्ग के समान है। धनोल्टी में इको पार्क घूमने की सबसे अच्छी जगह है। इसके अलावा धनोल्टी में जो दर्शनीय स्थल हैं उनको मैं बताऊं आपको तो सुरकंडा देवी का मंदिर है यहाँ एक एक इको पार्क है, एप्पल ऑर्चर्ड रिसोर्ट है, धनोल्टी एडवेंचर पार्क भी है और स्वीर थंगधर है जहाँ पर जाकर आप अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं। जो धनोल्टी का इको पार्क है, जंगल के बीच एक समृद्ध विविधता वाले पशु और पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो धनोल्टी प्रकृति प्रेमियों को स्वर्ग में होने का एहसास कराती है। इको पार्क से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आपकी यात्रा को बेहद यादगार बना देंगे। धनोल्टी उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही खास पर्यटन स्थल है जो यहाँ आने वाले यात्रियों को अपनी सुंदरता से एक खास एहसास करवाता है। वैसे तो धनोल्टी खुद अपने आप में एक परफेक्ट पर्यटन स्थल है लेकिन आप इसके अलावा यहाँ कई अन्य पर्यटन स्थलों को भी देख सकते हैं। अगर आप अपने धनोल्टी यात्रा में किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो धनोल्टी के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर सुरकंडा मंदिर स्थित है जो ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग के समान है। बता दें कि इस मंदिर की चढ़ाई काफ़ी कठिन है लेकिन यह जगह देखने लायक है और शांति से भरपूर है। रोड से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है जो जिसमें तीखी चढ़ाई पड़ती है जहाँ जहाँ जाने के लिए। यह मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ में से एक है।
सुरकंडा देवी मंदिर को देवी पार्वती के समर्पण में बनवाया गया है। देवदार और ओक के पेड़ों के साथ 13 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला इको पार्क धनोल्टी का सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से इको पार्क। जब अगर आप धनोल्टी आ रहे हैं तो इको पार्क जाना न भूलें। यह खूबसूरत पार्क समुद्र तल से 7,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पूरे साल सुखद मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, ठंडी हवाएं रहती हैं। ईको पार्क में व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहां पर बच्चों के खेलने के लिए एक अलग मैदान भी है। इस पार्क में स्मृति पौधारोपण के रूप में जाने जाने वाली परंपरा का पालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रियजनों की याद में यहाँ पौधारोपण भी करते हैं, वृक्षारोपण। यहाँ का एप्पल ऑर्चर्ड रिसोर्ट अपने ताज़े फलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सेबों की खेती और बिक्री दोनों की जाती है। और अगर आप एप्पल रिचर्ड रिसोर्ट में घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ के सबसे रसीले सेबों सनवेरी और गोल्डन डेलिशियस किस्मों से लेकर रेड डेलिशियस और रॉयल डेलिशियस का स्वाद लेना न भूलें। बता दूं कि यहाँ पर कई प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, जैम और जूस भी बनाए जाते हैं। धनोल्टी एडवेंचर पार्क एक ऐसा स्थान है जो आपको वैली क्रॉसिंग, जिप स्विंग, स्काई वॉक, स्काई ब्रिज, जिप लाइन, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, गुफा एक्सप्लोरेशन, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसे साहसिक खेलों का शानदार अनुभव कराती है। इन खेलों का आनंद आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। अगर आप धनोल्टी घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ एडवेंचर पार्क की यात्रा करना न भूलें। पहाड़ी के बीच स्थित यह पार्क बर्फ से ढके पहाड़ों और शानदार दृश्यों के साथ आपकी यात्रा को रोमांच से भर देगा। अब देखिए, सिविर थंगधर जो धनोल्टी में मुख्य बाजार से लगभग 14 किलोमीटर दूर आसपास के क्षेत्र में अब तक का सबसे अच्छा साहसिक शिविर है, जो करीब 8,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिविर थंगधर धनोल्टी के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। इस शिविर में आप रॉक क्लाइंबिंग, स्नो कैंपिंग, ट्रैकिंग या माउंटेन बाइकिंग जैसी आयोजित गतिविधियों का मजा ले सकते हैं। आप धनोल्टी का कार्यक्रम बनाने के लिए पहले दिन अगर धनोल्टी की यात्रा पर आप जा रहे हैं तो देहरादून, अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो देहरादून हवाई अड्डे, या रेलवे से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के बाद आप देहरादून के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। इसके बाद आप शाम को धनोल्टी के लिए किसी कैब या टैक्सी से निकल सकते हैं। दूसरे दिन आप नाश्ता करके देहरादून से धनोल्टी या इसकी आसपास की जगहों की सैर कर सकते हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान आप यहाँ स्थित इको पार्क की यात्रा भी कर सकते हैं, जिसमें वनस्पतियाँ और जीवों की समृद्ध विविधताएँ पाई जाती हैं। इसके बाद आप सुरकंडा देवी मंदिर और जुरांड झरने को भी देखने के लिए जा सकते हैं। तीसरे दिन आप धनोल्टी के पास के पर्यटन स्थलों पर घूमने के बाद अपने होटल में चेकआउट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देहरादून या मसूरी आ ही रहे हैं तो बहुत सारे जो मसूरी में अन्य पर्यटन स्थल हैं उन पर तो आप जाएंगे, लेकिन आप धनोल्टी का आनंद लेना न भूलें। जो सुरकंडा देवी का मंदिर है, ये जो मंदिर है ये एक काफ़ी देखने लायक मंदिर है। यहाँ मंदिर से जो भारत के लोकप्रिय मंदिर हैं उनमें से इसका एक नाम आता है। जो यहाँ का इको पार्क है, इसमें इको पार्क में देवदार और ओक के पेड़ों के साथ 13 हेक्टेयर के क्षेत्र में लगभग फैला इको पार्क में काफ़ी अच्छी जगह है। बता दें कि इस आकर्षण पार्क का निर्माण DF और धनोल्टी के नागरिकों द्वारा गरीबी को कम करने और गरीब लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इस पार्क जो एप्पल ऑर्चर्ड रिसोर्ट है, ये जो है यहाँ पर ताज़े फल, अगर आप फलों के मौसम में आते हैं तो आपको फल देखने को मिल सकते हैं, खाने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड
प्रोडक्ट्स जो आप कभी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थंगधर जो जगह है ये भी काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पर आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। और धनोल्टी में जो स्थानीय रेस्टोरेंट और वह हैं वहाँ पर आप यहाँ का भोजन के हालांकि काफ़ी सीमित विकल्प हैं लेकिन आपको एक अच्छी गुणवत्ता का भोजन मिलता है यहाँ पर। और इसलिए आप या तो अच्छे होटलों में अपना भोजन कर सकते हैं या फिर रोड के किनारे जो ढाबे हैं उनमें भी आप अपना भोजन कर सकते हैं। धनौल्टी पर पहुँचने के जो है रास्तों में खासकर अगर बाइयर आ रहे हैं तो आपको देहरादून आना पड़ेगा और सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो तब भी आपको देहरादून और उसके बाद मसूरी। तो इस तरीके से आप ट्रेन से अगर आप धनौल्टी के लिए ट्रेन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देहरादून रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। देहरादून रेलवे स्टेशन के लिए आपको भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन मिल जाएगी। धनौल्टी में स्थानीय परिवहन कोई खास नहीं है, आपको जो है मसूरी या देहरादून से ही अपनी टैक्सी या कैब बुक करानी होती है। तो ये आप अब उसी तरीके से अपनी जो जगह है उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप देहरादून या मसूरी आए रहें तो आप यहाँ से ऋषिकेश भी घूमने जा सकते हैं, यहाँ से आप नैनीताल भी जा सकते हैं, मसूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, देवप्रयाग की यात्रा के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहाँ भी आप जा सकते हैं। रानीखेत के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी आप यहाँ से प्लान बना सकते हैं। कौसानी जो कि उत्तराखंड का एक बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर आप जा सकते हैं। और हरिद्वार आप घूम सकते हैं, कुमाऊँ के जागेश्वर की यात्रा भी आप कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, उनमें लेंस डाउन भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप गर्मियों के मौसम का आनंद उठा करके यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो वीडियो बनाई गई है ये गाड़ी से जब हम खुद धनौल्टी जा रहे थे तो उसी समय ये वीडियो हमने बनाई है और ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को एक एहसास हो कि यहाँ की जो रोडें हैं कितनी सर्पीली और काफ़ी कर्व वाली हैं और इन रोडों में गाड़ी चलाना और उसका यहाँ की ड्राइविंग का आनंद लेना भी अपने आप में एक रोमांच है। तो बर्फ़ में थोड़ी देर के लिए हमने बर्फ़ का आनंद लिया क्योंकि हम मार्च के महीने में गए थे, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो आप भी इसका एक दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद कहूँगा और आशा करूँगा कि आप इसको देखेंगे। जय।